Hi, audience. Let's enjoy. This is the documentary film of Dronabakutta. It's one of the great village which is located in India, in the state of Karnataka. It's very beautiful and natural climate and beautiful architectural area. Please let's enjoy. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग आदाब दोस्तों। आज हम ऐसे मकाम की जानकारी हासिल करना चले हैं, एक ऐसे मकाम की जानकारी आपको बताने चलते हैं जिसको सरजमीनी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सऊदी अरबिया हो और हमारे मुस्लिम गल्फ कंट्रीज हो, हर जगह इस जगह का, इस मकाम का बोलबाला है। हर जगह इस जगह को, इस मकाम को पहचाना जाता है। वही मुकाम है, ये वही मुकाम का नाम धर्मकट्टा है जिसको हम धर्मकट्टे के नाम से याद करते हैं। ये रियासत कर्नाटक के जिला शिमोगा से 18 किलोमीटर की दूरी पर और भद्रावती तालुक से 6 किलोमीटर की दूरी पर मुकीम है। और जियोग्राफिकली इहाते की अगर बात की जाए तो इसका इहाता जो है पूरा गाँव 550 या 450 से लगभग एकड़ पर फैला हुआ है। This is the canal which flowing from the Bhadra project, which has in a Bhadravati taluk. दोस्तों, इस मुकाम धर्मकट्टा के जियोग्राफिकल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, ये जो है सतह समंदर से 594 मीटर पर मुकीम है। की आबादी के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 से 15,000 की आबादी वाला ये गांव है।
और इसी आबादी के अंदर जब हमने सेंसस किया तो हमने पता लगाया कि यहाँ जो है मुस्लिम लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें सिर्फ 1% लोग जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई रह रहे हैं। अगर जबान और लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो उर्दू जबान का बहुत बोलबाला यहाँ पर मौजूद है और कन्नड़ जबान यहाँ बोली जाती है, अरबिक जबान भी बोली जाती है, जो खासकर जो है बैरूनी मुल्क को या गल्फ कंट्रीज़ को हमारे जो गांव के नौजवान जाते हैं वहाँ से सीख कर आने के बाद यहाँ अरबिक जबान का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अजीबोगरीब एक बात सुनने में आती है कि बाहर के गांव वाले, ये शिमोगा हो या बेंगलुरु हो या दिल्ली हो या मुंबई वाले लोग हो, कुछ कहते हैं कि इस गांव की लैंग्वेज जो है, इस गांव की ज़बान जो है थोड़ा रफ है। अगर आप इसके बारे में तहकीक करें, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मौज़मा में पैदा हुए, मक्के मौज़मा में पैदा होने के बाद वहाँ कितने किस्म के जाहिल लोग थे, कितने बुरे लोग थे जिनको बात करने का सलीका नहीं आता था। वहाँ की ज़बानें भी बहुत ही कठिन हुआ करती, बोलने भी एकदम रफ लगा करता था, तो इस कदर वहाँ की ज़बानें हुआ करती। तो ऐसी ज़बान में, ऐसे लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को इंसानियत सिखाई, ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया। तो ये बात ऐसे नहीं है कि गाँव बुरा है, गाँव में अजीब गरीब किस्म के लोग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बेलगाम जाएँ या हैदराबाद जाएँ वहाँ पर जो है उर्दू खड़ी बोली बोली जाती है, तो इसी तरह से यहाँ एक अजीब किस्म की भाषा नहीं है बल्कि एक ऐसी भाषा में बात करने वाले लोग, जो सख्त ज़बान में बात करने वाले लोगों में इंसानियत भी मौजूद है और यहाँ के लोगों में मोहब्बत और प्यार भी भरपूर मौजूद है। इट इज वन ऑफ द ग्रेट मॉस्क ऑफ टोनोबकट विलेज व्हिच यूजुअली कॉल्ड द जामा मस्जिद। द पीपल सॉ प्रेइंग फ्रॉम गॉड्स ऑन फ्राइडे। इस धर्मकटे गांव की तालीमी मियार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर हम इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि इस गांव के अंदर तालीम याफ्ता अफराद बहुत से पाए जाते हैं। यहां आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे, लेक्चरर्स भी मिलेंगे और यहाँ तक कि आपको डॉक्टरेट के मेडिकल, डी फार्मा और दूसरे बहुत से अहम कोर्सेस करने वाले तालीम याफ्ता अफराद यहाँ आपको मिलेंगे। बिजनेस की अगर बात की जाए, कारोबार की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी किए जाते हैं। तो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत से कारोबार अलग अलग तरह के, अलग अलग नक्शनिगार के बनाए जाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, इस गांव के अंदर पूरे भारत में मशहूर, जिसको नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाता है, जो आम, कि आम की फसल की पैदावार यहाँ पर बहुत ही कसर से की जाती है और इसको तरह से लाया जाता है और उसको जो है अलग अलग तरह से बक्सों में किसी चीज़ में डालकर उसे जो है आउट ऑफ स्टेट पर भेजा जाता है और कारोबार से यहाँ के लोग बहुत से आमदनी भी हासिल करते हैं।
फ्रेंड्स, इट वॉज अवर विलेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म। दोस्तों, ये हमारे गांव की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सी जानकारी हासिल भी होगी। और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि हमारे गांव को इसी तरह तरक्की मिलती रहे और हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इससे बेहतर गाँव के मुताल्लुक़ और दीन के मुताल्लुक़ वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।